निजी स्कूलों की मनमानी की आग अब मंडी में भी सुलगना शुरू हो गई है। जहां एक तरफ हिमाचल में निजी स्कूलों की मनमानी को लेकर प्रदेश भर में प्राइवेट स्कूलों की मनमानी को लेकर अभिभावकों द्वारा प्रदेश सरकार को चेताने के लिए धरने प्रदर्शन हो रहे हैं, वहीं निजी स्कूलों की मनमानी को लेकर छात्र अभिभावक मंच मंडी भी अब जाग चुका है। छात्र अभिभावक मंच मंडी ने आज उपायुक्त को निजी स्कूलों की मनमानी को लेकर ज्ञापन सौंपा और निजी स्कूलों के खिलाफ कार्यवाही करने की मांग की। छात्र अभिभावक मंच मंडी के संयोजक सुरेश सरवाल ने कहा कि उन्होंने निजी स्कूलों की मनमानी को लेकर आज उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें निजी स्कूलों की मनमानी को लेकर कार्रवाई करने की मांग की है। सुरेश सरवाल ने कहा कि छात्र अभिभावक का कहना है कि प्राइवेट स्कूलों में भारी भरकम फीसों की लूट पर रोक लगाई जाए, फीसों को संचालित करने के लिए कानून, पॉलिसी और रेगुलेटरी कमीशन बनाई जाए, बच्चों की सिक्योरिटी और सेफ्टी के लिए 15 अप्रैल 2018 का सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर लागू किया जाए, फीसों के संदर्भ में हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट का 27 अप्रैल 2016 का ऑर्डर लागू किया जाए, प्रदेश में नियमानुसार निजी स्कूलों को संचालित करने के लिए राज्य सलाहकार परिषद का गठन किया जाए। सुरेश सरवाल ने कहा कि अगर एक सप्ताह के अंदर जिला प्रशासन निजी स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करता है तो आने वाले समय में छात्र अभिभावक मंच मंडी उग्र आंदोलन करेगा। आज हमने डीसी के माध्यम से जो प्राइवेट स्कूलों की आज लूट चली है पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर, और जिस तरीके से आंदोलन पूरे प्रदेश के अंदर आज हो रहा है इस मुद्दे को लेकर, आज हमने मंडी में भी शुरुआत की है और उपायुक्त के माध्यम से हमने ज्ञापन दिया कि जो मंडी शहर के अंदर या मंडी शहर के आसपास के जितने भी स्कूल हैं वहाँ पर जो फीस के नाम पर जो हर साल जो है वो फीस को बढ़ाया जाता है और जो वहाँ पर दुकानें खुली हुई हैं चाहे कॉपियाँ चाहे दूसरा सामान है, जिस तरीके से राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के अंदर पास हुआ कि वहाँ पर 25% जो गरीब तबके के लोग हैं उनकी एडमिशन होनी चाहिए, वो कहीं भी नहीं हो पा रही है। और इन प्राइवेट स्कूल के अंदर ना कि छात्रों का शोषण है बल्कि वहाँ पे जो पढ़ाने वाले टीचर हैं उनका भी शोषण हो रहा है, उनको जो जितनी सैलरी मिलनी चाहिए थी वो भी सैलरी जो नहीं मिल पा रही है। हमारा ये मेन मुद्दा इसके अंदर ये था कि जो ये जिस तरीके की लूट आज प्राइवेट स्कूल्स के अंदर चली है इसको बंद किया जाए। ये जो एडमिशन फीस हर साल लेते हैं, हमारा मानना है कि एडमिशन फीस या पहली कक्षा में या छठी कक्षा के अंदर या आठवीं नौवीं में हो या फिर प्लस वन के अंदर हो, पर ये हर साल जो उस एडमिशन के नाम पे जो है छात्रों के परिवार वालों को जो है आर्थिक बोझ डालते हैं। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से आज खुली लूट जो है चल रही है, हम ये चाहते हैं डीसी माध्यम के माध्यम से कि लूट कम हो। अगर आने वाले समय के अंदर ये लूट कम नहीं होती है तो आने वाले समय के अंदर ये जो मंच है ये मंच जो है बड़ी बैठक के रूप में करेगा और हम अगले एक हफ्ते के अंदर जो है एक बड़ी बैठक जो पूरे अभिभावकों को आमंत्रित करेंगे और उसमें जो बैठक में निर्णय लेंगे कि आने वाले समय में कैसे जो है आंदोलन की रूपरेखा जो है आगे की जाएगी। यही आज का जो मुख्य मकसद था। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल।